दोस्तों ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर एस्टेक, देख सकते हैं इसमें आपको पूरा डिजिटल मीटर अब आपको मिलेगा और ये है रेड कलर। तो सुपर स्प्लेंडर एस्टेक 125 रेड कलर का रिव्यू होगा इस वीडियो में, और उसके बाद दोस्तों इसमें प्राइस, माइलेज, फीचर्स सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसमें आपको LED वाला मीटर आ गया है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ब्लूटूथ भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको DRA लाइट मिलेगी और LED वाली लाइट, ये देखें पूरी LED वाली हेडलाइट आ गई। पहले हेलोजन बल्ब था, अब यहाँ पर LED लाइट मिलेगी। और जो लुक है दोस्तों ये सबसे गजब का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड पर अगर आप देखेंगे तो रेड कलर का वाइजर मिलेगा यहाँ पर ग्रे, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपको स्टिकर मिलेगा जो वो सबसे नया मिलेगा। बाकी ये पूरा जो वाइजर है वो रेड ही कलर में रहने वाला है, और लाइट जो है वो देख सकते हैं साइड से कुछ अलग ही दिखेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये पूरी बाइक सामने से दिखेगी। तो लुक जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है कंपनी ने। यहाँ पर देखेंगे तो LED वाली लाइट जो कि मैंने जला के भी दिखा दिया इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर नंबर प्लेट आप लग जाएगा, ये विंड ग्लास है, एच का लोगो है, और लुक जो है आप देख सकते हो। बट यहाँ पर इंडिकेटर पहले वाला ही कंपनी ने इंडिकेटर देखा ठीक ठाक है, इसको चेंज नहीं किया। मडगार्ड आप देख सकते हैं पूरा आपको रेड कलर में मिलेगा इस तरह से, काफ़ी लंबा चौड़ा 130 mm का ड्रम ब्रेक, एलॉय व्हील आपको मिलेगी वो भी टाइपिंग के साथ। ये देखिए 8018 का ट्यूबलेस टायर। अब उसके बाद यहाँ पर डिस्क और ड्रम दो वेरियंट आता है, ये ड्रम वाला है आपके सामने है। और फ्यूल टैंक आप देखिए, आप सुपर स्प्लेंडर 3D वाली बैजिंग आपको मिलेगी, ये देखिए सबसे गजब का दोस्तों। और ये स्टिकर अभी तक नहीं आता था, देख सकते हो सबसे लाजवाब स्टिकर अब आपको मिलेगा इसमें। और ये मैट जो है दिया गया, बाकी वो वाली देख सकते हैं ब्लैक कलर में है लेकिन वो लाइट पर है, यहाँ पर मैट पर है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एस्टेक की ब्रांडिंग भी मिलेगी, और स्टिकर आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा जो कि सबसे नया स्टिकर है, सबसे नया यहाँ पर आपको कलर मिलेगा। और ये E20 है, BS7 सुपर स्प्लेंडर BS7 है, फ्यूल टैंक देख सकते हैं, और सेल्फ स्टार्टर i3S आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग मिल जाता है, और फुल्ली डिजिटल मीटर आपको स्प्लेंडर एस्टेक वाला मिलेगा देख सकते हैं आप। ये देखिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, मिस कॉल, सर्विस इंडिकेटर, फ्यूल स्पीड सब कुछ यहाँ पर आपको बताएगा, लो फ्यूल वार्निंग, साइड स्टैंड का सेंसर, और यहाँ पर इंडिकेटर, पासिंग, ये देखिए सब कुछ आपको यहाँ पर बताएगा। और ये जो डैशबोर्ड है ये बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया है कंपनी ने, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल एकदम नया मॉडल कर दिया और काफ़ी अब भरी भरी दिखती है, चलाने पे भी मज़ा आता है। और इसका माइलेज टेस्ट किया सुपर स्प्लेंडर एस्टेक का माइलेज टेस्ट किया तो इसका माइलेज 58 से 60 का निकला है दोस्तों। हाई लुबिम टर्न सिग्नल सारी चीज़ मिलेगी, फ्यूल टैंक 13 लीटर का है। और साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टीकर इस तरह से आपको मिलेंगे, देख सकते हैं i3S लिखा। और ये जो पैनल है दोस्तों यहाँ पर हीरो का ब्रांडिंग और ग्रे कलर का पूरा ग्रेवरी लेकर ये स्टीकर तक पूरा इस तरह से रहेगा, देख सकते हैं लोग। सीट काफ़ी कम्फर्टेबल डुअल टोन में और काफ़ी मुलायम सीट है दोस्तों, पहले वाले से बहुत ही बढ़िया सीट कर दिया है, काफ़ी अच्छा है, अगर आप लंबा भी सफ़र करें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 124.7 cc का इंजन है, सिंगल सिलेंडर, OSC एयर कूल, किक और सेल्फ दोनों स्टार्टर, 5 गियर, 1 आगे 4 पीछे लगेगा। और माइलेज जो है वो 58 से 60 का मिलेगा, इंजन आपके सामने है, इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ, बहुत ही गजब का इंजन रहेगा आपका। और पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक, 5 बार एडजस्ट करने वाला साकर, 90-90-18 का पीछे ट्यूबलेस टायर, और वो भी यहाँ पर आपको टाइपिंग भी मिल जाएगी इस तरह से देख सकते हैं, टाइपिंग बहुत ही अच्छा है। और ये पूरा आपका लुक हो जाएगा। अब जो बदला हुआ है दोस्तों ये है इसका साइलेंसर, साइलेंसर पहले वाले से थोड़ा सा पतला कर दिया है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हुआ है, पतला साइलेंसर कर दिया है तो थोड़ा लुक भी अच्छा हो गया है और आवाज़ भी बढ़िया है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेल लाइट, वो भी बल्ब वाली, इंडिकेटर भी आपको बल्ब वाले रहेंगे, पीछे कोई भी चेंजेस नहीं किया है। अब यहाँ पर चेन कवर देखेंगे तो फाइबर का चेन कवर, 5 बार एडजस्ट करने वाला साकर, और साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है। यहाँ पर न्यूट्रल है, स्टार्ट करके इसका आवाज़ सुना देते हैं हम आपको, इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आवाज़, तो आवाज़ काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, बाकी बाइक एकदम ज़बरदस्त है। अब इसकी जो है मोबाइल, लेकिन दोस्तों चीज़ है मोबाइल चार्जिंग तो है, लेकिन मोबाइल चार्जिंग जब आप करें, जब आप जो है इंजन को स्टार्ट रखें चलाएं तो ये जो है ऑन रोड प्राइस 1 लाख रुपए की है, क्योंकि ड्रम वेरिएंट है तो 1 लाख इसकी ऑन रोड प्राइस है, और डिस्क ब्रेक की 1,03,800 है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।